हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। पर हमारे यहाँ बारिश शुरू होने वाली है अभी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि सरसों और चना हमारा पूरा बिखरा हुआ है आंगन में। हम लोग सुखाने के लिए रखे थे, जो खेत से सरसों और चने आए थे ये सब सुखाने के लिए रखा हुआ था, और अचानक सा मौसम ख़राब होने लगा। तो फिर ये जितना भी फैला हुआ था ये सबको हम लोग समेटने में लग गए। जो थोड़ा सा ऊंचा जगह है उस पर रख दिया हमने सब कुछ, और उसके बाद इसमें प्लास्टिक डाल देंगे। तो ये सब जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर तो इतना सारा है सरसों और चना, और बाकी जितना भी था वो सब हमने रख दिया है रोड पर। मतलब जो सीमेंट वाला रोड होता है ना, गांव का जो रोड होता है वहाँ पे हमने रख दिया है वो सबको सूखने के लिए, क्योंकि वो सीमेंट वाला जगह पे सूख जाने पर मतलब बहुत अच्छे से उसकी पिटाई हो सकती है। तो इसलिए हमने कुछ वहाँ पे रख दिया है। और अभी 2:30-3 बजे होंगे, तो इस टाइम पे कोई भी नहीं था घर में, बस हम लोग ही थे। तो फिर मैंने अपने पति देव को भेज दिया वहाँ पर रोड में वो सबको समेटने के लिए। और हम लोग यहाँ पे सास बहू लग गए हैं, ये जितना भी यहाँ पे सरसों और चना था ये सबको समेटने के लिए। तो एक जगह पे हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद इसको प्लास्टिक से ढक देंगे अच्छी तरह से, ताकि बारिश हो भी तो मतलब बारिश से निकल जाए ऊपर से, जो हमारे सरसों है और चने हैं उस सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, कब मौसम ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है कि मतलब रात में भी हम लोग कभी कभी इस तरह से हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है और हम लोग इस तरह से उठ के समेटने लगते हैं इधर उधर। तो जहाँ पे खेती होती है ऐसे ही होता है। वैसे ठीक है कि हमारे खेत में कोई अभी अनाज नहीं है, मतलब जितना भी कटा हुआ था सब आ गया है, और जो नहीं कटे हुए हैं वो सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ढक दिया है, उसके बाद ये पत्थर चारों तरफ से मैं डाल दूंगी, ताकि मतलब इसको थोड़ा सा दबा दूंगी, ताकि अगर बारिश आएगी तो हवा आए तो भी ये सबको उड़ा ना जा सके। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, और सब कुछ हमने ढक दिया है अच्छी तरह से, कि मैंने कुछ कुछ बचा रहेगा। और वैसे थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, उतना तो मतलब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, एकदम झमाझम बिन मौसम बरसात वाली बारिश है ये, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है, और सब लोग लगे हुए हैं इधर उधर। बस कुछ सरसों है और कुछ चने हैं जो हमें लाने हैं खेत से, वो सब नहीं आया है, तो वो सब धीरे धीरे आ जाएगा। और ये देखिए हमारी चाची दौड़ दौड़ के लेके आ रही है सरसों, जो वो सुखाई हुई थी वो सब। तो ये देखिए सब भाग दौड़ के इधर उधर से काम कर रहे हैं, बारिश में अक्सर ऐसा ही होता है। और जस्ट अभी शुरू हुई है बारिश, ज़ोरदार बारिश हुई थी आज हमारे यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह से भीगा भीगा हुआ है, अभी भी लोगों को चैन नहीं है, मतलब हर चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं। और ये देखिए कितना पानी फैला हुआ है यहाँ पर बारिश की वजह से। जितना हम बचा पाते थे उतना हमने बचाया है अपने सरसों और चने को, तो बस बचा हुआ है किसी तरह से। और ये देखिए गाड़ी वगैरह सब बाहर में ही है, क्योंकि अंदर करने वाला कोई नहीं था। ¿Cómo es? ¿Cómo es?